दोस्तों, दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा होता ही रहता है जो इस खेल की खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखता है। इस खेल में देखिए कभी कभी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होते हैं। दोस्तों, ऐसी एक मूवमेंट आया भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एक ऐतिहासिक मुकाबले में, जहां पर भारत के लेग स्पिन किंग अनिल कुंबले उर्फ जंबो ने 10 विकेट छटक कर इतिहास रच दिया था। तो चलिए भाई, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस मैच से जुड़े हुए कुछ यादगार मोमेंट्स के बारे में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्रिकेट जगत में कुछ टीमों की बैटल्स ऐसी होती है जिनका क्रेज दर्शकों के दिलो दिमाग पर कुछ अलग ही चढ़ के बोलता है। दर्शक इन बैटल्स को देखने के लिए सात समंदर पार तक चले जाते हैं। ऐसी दोस्तों एक बैटल होती है हमेशा से ही चिर प्रतिद्वंदी रहे भारत और पाकिस्तान टीम के बीच। इन दोनों टीमों के बीच खेला गया हर मुकाबला क्रिकेट जगत का सबसे सुपर हिट मुकाबलों में शुमार रहता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एक मुकाबले की जो क्रिकेट जगत के इतिहास के पन्नों की आज भी शोभा बढ़ा रहा है। साल था 1999, तारीख थी 4 फरवरी, दिन था गुरुवार। जाती हुई सर्दियों में कोहरे की चादर ओढ़े सूरज धीरे धीरे अपनी यात्रा तय कर रहा था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के दीदार को बेसब्र थी। मौका था पाकिस्तान के भारत दौरे पर खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच का। दोस्तों, थोड़ी ही देर में दोनों टीमें कोटला के मैदान पर पहुंच गईं। भारतीय कप्तान मोहम्मद असरुद्दीन और पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम टॉस जीतने के लिए मैदान पर पहुंच गए। सिक्का उछला और गिरा भारत के पक्ष में। 200 टॉस जीतकर भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे साता गोपम रमेश और वीवीएस लक्ष्मण। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज ने भारत की पारी को सधी हुई शुरुआत देते हुए बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मैच अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। भारत का पहला विकेट गिरा 88 रनों के स्कोर पर, जब वसीम अकरम ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरते हुए वीवीएस लक्ष्मण को LBW कर चलता कर दिया। 200 फिर इसके बाद उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिवेट। उन्होंने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में पहले तो सधी बल्लेबाजी की और फिर अपने खेल का जलवा दिखाया। भारत पहली पारी में रमेश के 60 और वीवीएस लक्ष्मण के 35 और राहुल द्रविड के 33 और मोहम्मद अजहरुद्दीन के 67 रनों की बदौलत 252 रनों का स्कोर खड़ा किया। 200 पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट उनके फिरकी गेंदबाज सकलैन मुश्ताक ने लिए। उसके बाद पहली पारी में गेंदबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की भारतीय गेंदबाजों के आगे एक न चली और पूरी पाकिस्तानी टीम कोटला के स्लो मैदान पर सिर्फ 172 रनों के स्कोर पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट अनिल कुंबले ने लिए। 200 पहली पारी में 80 रनों की लीड देकर दूसरी पारी में खेलने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण सिर्फ 8 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन रमेश ने राहुल द्रविड के साथ मिलकर टीम की कमान को संभाला। दूसरी पारी में भी भारतीय टीम ने रमेश के 96 और राहुल द्रविड के 29, सचिन तेंदुलकर के 29 और सौरभ गांगुली के 62 रनों के योगदान से 339 रन बना लिए थे। 200 भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 420 रनों का लक्ष्य दिया। बड़े ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुके इस मैच का सारा रोमांच दूसरी पारी में गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने खींच लिया। इस रोमांचक मैच के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस मैच में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस दिन हुए करिश्मे के पहले दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सईद अनवर और शाहिद अफरीदी ने अपना जलवा मैदान पर भारतीय पेसर्स के सामने बिछा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी पारी को एक सधी हुई शुरुआत देने का काम किया। पाकिस्तानी टीम ने अपने शुरुआती 100 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए थे, वो भी सिर्फ 24 ओवर्स में। लेकिन जब पेसर्स का काम नहीं बना तो भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी फिरकी यूनिट के सेनापति और भारतीय टीम के सबसे सफल लेग स्पिनर अनिल कुंबले उर्फ जंबो को गेंदबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों, जंबो ने आते ही अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए खतरनाक दिखाई पड़ रही पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी के जोड़ीदार शाहिद अफरीदी को विकेटों के पीछे नैन मोगिया के हाथों छिलाकर चलता कर दिया। उनकी सी घूमती हुई गेंद पर शाहिद अफरीदी चारों खाने चित हो गए। अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए पाकिस्तानी लेजेंड खिलाड़ी एजाज अहमद, लेकिन दोस्तों उस दिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन अनिल कुंबले उर्फ जंबो के सितारे कुछ और ही बयां कर रहे थे। उन्होंने एजाज अहमद को शून्य पर आउट कर पहली गेंद पर चलता कर दिया। कुंबले की ये घूमती हुई गेंद सीधे जाकर एजाज के पैर पर लगी, जिसे अंपायर ने LBW के रूप में आउट किया। दोस्तों, मैदान पर खेल का मंजर दो गेंदों में ही पूरा पलट गया।
24 ओवर की पहली गेंद तक मजबूत दिखाई पड़ रही पाकिस्तान टीम का स्कोर अब 101 रनों पर दो विकेट्स हो चुका था। कुंबले की घातक लेग स्पिन की मार से पाकिस्तान की उम्मीदों को काफी धक्का लगा। एजाज के जाने के बाद लड़खड़ाई हुई पाकिस्तान को सहारा देने आए पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इंजमाम उल हक। लेकिन दोस्तों जब किसी के सितारे बुलंद हों तो सारी हड्डियां टूट जाती हैं। 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने इंजमाम उल हक को अपनी फिरकी से छकाते हुए बोल्ड कर दिया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान टीम के हौसले पस्ता पड़ गए जब एक गेंद के बाद ही कुंबले ने उस टाइम के यूसुफ योहाना और आज के मोहम्मद यूसुफ को भी शून्य के निजी स्कोर पर LBW कर दिया। 115 रनों पर अपने चार प्रमुख विकेट खो चुकी पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी। फिर जंबो ने मोइन खान के रूप में भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए मोइन को स्लिप पर खड़े सौरव गांगुली के हाथों छिलाकर चलता कर दिया। 5 विकेट गंवाने के बाद घबराई हुई पाकिस्तानी टीम जैसे तैसे हार के डर से ड्रॉ के लिए खेल रही थी। लेकिन दोस्तों जब ऊपर वाला सोच लेता है तो वो होकर ही रहता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ड्रॉ की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ओपनिंग से अभी क्रीज पर टिके सईद अनवर को भी कुंबले ने अपने जाल में फंसाते हुए शॉर्ट लेग पर खड़े वीवीएस लक्ष्मण के हाथों झिला चलता कर दिया। इस विकेट के गिरते ही पाकिस्तान को अपनी हार यमराज की तरह सामने खड़ी नजर आने लगी थी। लेकिन 7वें विकेट के लिए सलीम मलिक और कप्तान वसीम अकरम के बीच हुई एक पार्टनरशिप ने थोड़ी देर के लिए ही सही मगर पाकिस्तान को ड्रॉ की उम्मीद की किरण थी। लेकिन दोस्तों इस उम्मीद की किरण को भी तार तार करने के लिए एक बार फिर उसी दिन के सुपरस्टार जंबो हाजिर हो गए और उन्होंने आते ही सलीम मलिक को भी 15 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इस विकेट के साथ ही मैच में बस अब फॉर्मेलिटी ही बाकी रह गई थी जिसे अनिल कुंबले ने मुश्ताक अहमद और सुकलैन मुश्ताक के विकेट के रूप में दिलाकर लगभग पूरा कर दिया। पाकिस्तानी टीम 198 रनों पर अपने 9 विकेट्स खो चुकी थी और हार का इंतजार कर रही थी। जहां एक और पाकिस्तानी टीम अपनी शर्मिंदगी भरी हार को देखने वाली थी तो वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रही थी। लेकिन दोस्तों इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनने के बीच दुनिया ने दोस्ती का एक ऐसा नजारा देखा जिसे हमेशा ही क्रिकेट प्रेमी देखना पसंद करेंगे। आखिरी विकेट के लिए ओवर करने आए जवागर श्रीनाथ ने अपनी सारी डिलीवरीज बल्लेबाजी से काफी दूर रखी जिससे वो उनकी गेंद पर आउट ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो आज हम इस पल के गवाह ना बनते और ना ही ये रिकॉर्ड देख पाते। श्रीनाथ ने अपनी सारी गेंदें बल्लेबाज से काफी दूर रखी जिससे कुंबले अपने 10 विकेट्स हॉल पूरे कर सके। और इसके बाद दोस्तों वही हुआ जिसका इंतजार सभी को था। कुंबले ने अगले ही ओवर में इसको पूरा कर दिया। कुंबले ने पाकिस्तानी पारी के 60वें ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम को शॉर्ट लेग पर वीवीएस लक्ष्मण के हाथों छिलाकर क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। उन्होंने पाकिस्तान टीम के 10 के 10 विकेट्स अपने नाम कर लिए थे। अनिल कुंबले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन चुके थे दोस्तों जिन्होंने ये कारनामा किया था। इससे पहले इंग्लिश गेंदबाज जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा किया था। बहरहाल 7 फरवरी 1999 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस दिन भारतीय टीम ने गर्व से हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। अनिल कुंबले भारत के पहले और अभी तक के एकमात्र ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने। पिन फैक्ट अनिल कुंबले जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेगा उनके द्वारा दी गई इस खूबसूरत याद के लिए। दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय टेक केयर मेरी चैन।